क्वेटा को पहले मैच में शिकस्त। कराची किंग्स ने PSL 6 का फातेहाना आगाज कर दिया। मैच से बाबर आजम के हवाले से बड़ी शानदार खबर सामने आ गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के इफ्तिताही मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने दिफाई चैंपियन कराची किंग्स को जीत के लिए 122 रन का हदफ दिया, जिसके ताकुब में कराची किंग्स की जानिब से इनिंग्स का आगाज शर्जील खान और बाबर आजम ने किया। तहम ओपनिंग पर आए शर्जील सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि वन डाउन आने वाले जोए क्लार्क ने 46 रन बनाकर आउट हुए। इससे कबल कराची किंग्स ने टॉस जीतकर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फील्डिंग का फैसला किया, तो क्वेटा की जानिब से इनिंग्स का आगाज टॉम बेंटन और सरफराज अहमद ने किया। तहम दोनों ओपनर्स अच्छा आगाज फराहम न कर सके और सिर्फ 6 के मजमुई स्कोर पर टॉम बेंटन आउट हो गए, जिसके बाद कप्तान सरफराज अहमद भी सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 121 रन बनाए, जबकि कराची किंग्स को 122 रन का हदफ दिया। दोस्तों, मैच के दौरान बाबर आजम क्वेटा के बॉलर्स के आगे डट गए। बाबर आजम ने मैच में अनोखा छक्का लगाकर सबको हैरान कर दिया। कराची किंग्स ने बासानी क्वेटा को शिकस्त देकर PSL 6 का फातेहाना आगाज कर लिया है।